आपका ये नॉवेल वाला आइडिया हमने सबको बांटा कि अगर आपसे न्यूज़पेपर नहीं हो रहा तो आप भी नॉवेल स्टार्ट करो, हमें बहुत फायदा मिला उससे। कहीं ना कहीं उस समय तो बैंक में बहुत सारे व्यक्ति तुरंत उसी टाइम हमने दूसरा मौका दिया कि इसमें 150 आ जाए, उसके बाद हम कुछ करेंगे। न्यूज़पेपर जेब में हाथ डाल के देखो कि आज तुम्हारे पास कितने पैसे, और फिर सोच के देखो अगर जॉब होगी क्या यही सीन रहेगा। तब पापा मम्मी ये नहीं बोलेंगे जाओ बेटा धनिया लेके आओ, पेपर दे दो नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, ऐसा दिमाग में चलता था। तो मैं वही सोच के सब तैयारी करना स्टार्ट किया था। तो 6 महीने तक हम सर उसी कोचिंग में पढ़ते रहे और ये सोच के तैयारी करते रहे कि हम बैंक। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो, और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो सीरीज में हम एक नई चीज शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरे बगल में विक्रांत राजावत जी हैं, इन्हें आप कानपुर वाला व्लॉग्स नाम से भी जानते हैं, और इनके आपने बाकी वीडियोस भी यूट्यूब पे देखे होंगे, काफी पॉपुलर हैं इस समय यूट्यूब पे और काफी कुछ कर रहे हैं। ये मेरे ही स्टूडेंट थे और अभी SSC CGL में 2018 के एग्जाम के तहत ये ऑडिटर के पद पर CGL में सेलेक्ट हुए हैं। तो क्या कुछ इनकी जर्नी रही, कैसे इन्होंने पढ़ाई करी, क्या इनका शेड्यूल था, कौन सी बुक्स फॉलो की, कौन से टीचर्स फॉलो किए, कौन सा प्लेटफॉर्म फॉलो किया, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी और कैसे इन्होंने अपनी पूरी तैयारी को जारी रखा, जानेंगे इनसे हम। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, लेट्स बिगिन। सो हेलो विक्रांत, हाउ आर यू, कैसे हो? हेलो सर, अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं भी अच्छा हूँ। वैसे शायद अगर ये कोरोना नहीं होता तो हम ये वीडियो को ऑफलाइन शूट कर रहे होते, लेकिन कोरोना की वजह से ऑनलाइन एंड ऑन जूम काफी कुछ तो सेफ हो गए, क्योंकि समय काफी ज्यादा मुश्किल है और चीजें काफी एडवर्स चल रही हैं। यस सर, चीजें तो इस समय सही नहीं चल रही बिल्कुल भी। और आप लोग भी सेफ रहिए, घर के अंदर रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए कम से कम बाहर निकलिए। तो विक्रांत, हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से बात शुरू करेंगे कि कैसे आपने तैयारी अपनी शुरू करी। हम बिल्कुल आपके पहले मैं बैकग्राउंड से शुरू करूंगा कि आप इंटरमीडिएट हाई स्कूल आपने किस बोर्ड से किया, कैसे पढ़ा, और फिर हम एक एक चीज पे आएंगे कि कैसे आपने SSC CGL के बारे में सोचा और कहां से सुना, और उसके बाद आपने कैसे तैयारी करी और कितना समय आपको टोटल लगा इन सारी बातों पे, और एक एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो बात सबसे पहले विक्रांत ये शुरू करते हैं कि आपका स्कूलिंग कहां से हुआ है, आप कानपुर से ही हैं या कहीं बाहर से? सर हम कन्नौज से हैं, कन्नौज में गांव पड़ता है नादेवू, तिरवा के पास है। अच्छा, तो वहां से हम लोग हैं और फिर पढ़ाई के लिए हम लोग कानपुर आ गए थे। तो कानपुर में आप कब से रह रहे हैं? हाँ कानपुर सर 2000 से। 2000? हाँ 2000 से ही। अच्छा 2000 से, तो लगभग मेरे हिसाब से अपने जन्म से कानपुर रह रहे हो, बस ये है कि 4 साल बाद आ गए थे। ऑलराइट, तो मतलब आप बेसिक आपकी पूरी स्कूलिंग कानपुर में ही हुई है? हाँ मेरी पूरी पढ़ाई स्टार्टिंग से कानपुर में हुई है सर। कानपुर में 10th किया हमने सर, यहीं पास में कॉलेज है कैलाश सरस्वती इंटर कॉलेज, वहीं से 12th किया। अच्छा अच्छा, और 12th? हाँ वहीं से 12th भी वहीं से किया सर। 12th भी वहीं से किया, तो कैलाश सरस्वती से पढ़े हो। ओके, तो काफी लोगों को दिलचस्पी होती है आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्क्स में, क्या मार्क्स थे? सर 10th में मेरे 66% थे एंड 12th में 63% थे। ओके, देखो ये मार्क्स मैंने इसलिए पूछे क्योंकि मेन बच्चों का ये रहता है, लोगों को लगता है कि यार आज की जिस तरीके का कंपटीशन जा रहा है उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के बच्चे आ रहे हैं, बहुत से IITs, मतलब मैं कुछ पर्सनली ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो IIT से हैं, ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ NIT से हैं या कहीं से अच्छे कॉलेज से BCA कर रखा है, या बहुत से लोग हैं जो दिल्ली से हैं और अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। तो मैंने ये जो मार्क्स पूछे सिर्फ मेरा मकसद ये था कि ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज या बहुत ही रेप्यूटेड जगह से हैं, SSC CGL जो आपका एग्जाम है ये एग्जाम आपकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इसमें आपकी इंटेलिजेंस कम चेक होता है, इसमें आपकी आपकी कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी मैटर करती है, और अगर आपने मेहनत कर ली तो ये एग्जाम आपका हो सकता है। क्या आप सहमत हैं विक्रांत? यस सर, बिल्कुल सहमत है। तो आपने फिर वहां से उसके बाद ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? हाँ सर, ग्रेजुएशन में हमने BSc किया हुआ है। BSc कहाँ से किया? पास में कॉलेज है श्री दीन दयाल कुशवाहा महाविद्यालय। अच्छा, तो कानपुर यूनिवर्सिटी से आपने किया BSc? हाँ। तो ठीक है, आपका BSc उसके बाद हुआ, और उसके बाद आपने BSc के साथ ही प्रिपरेशन शुरू करी SSC की या उसके बाद? नहीं सर, BSc के खत्म होने के लगभग 1 साल बाद स्टार्ट किया था। तो BSc आपका किस ईयर में खत्म हुआ? 2015 में। 2015 में आपका BSc खत्म हुआ है और आपने तैयारी 2016 से हमने स्टार्ट किया था। ऑलराइट, तो विक्रांत वैसे तो तुम मेरे बैचमेट ही हो ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने भी अपना BSc 2015 में ही खत्म किया है। मैंने भी अपना BSc 2015 में खत्म किया था, बट हाँ मैंने तैयारी तुरंत शुरू कर दी थी, ये था। तो आपने 2016 में तैयारी की सर? हाँ।
अच्छा, तो उसके बाद शायद आपको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही होगी कि जाना कहाँ है, तो कैसे पता लगा? बस वही सर, सर पता ऐसे लगा कि मतलब उस समय ये था ना कि नौकरी चाहिए, कुछ ना कुछ करना है कॉलेज के बाद, तो लोगों ने सर पे भूत रख दिया कि इसमें बैंक में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, आप बैंक की तैयारी करो जाके। तो हमने कहा ठीक है बैंक की तैयारी करते हैं। तो बैंक की तैयारी करने गया तो यहाँ जो सर काका जो पढ़ता है वहां पर एक दो लोगों से था दोस्ती, तो उन्होंने बताया मैं कि इस कोचिंग में चले जाओ उसमें चले जाओ। तो यहाँ तो सर वाला सिस्टम होता है ना ब्रोकर वाला कि अगर हम अपना बच्चा भेजेंगे तो इतना कमीशन मिलेगा, तो मेरे हिसाब से मेरे साथ वैसे ही कुछ सीन हुआ और हमें एक ऐसी कोचिंग में भेज दिया गया जो SSC की तैयारी करवाता था। अच्छा, और अच्छा। हमें पता ही नहीं चला, हम ये सोच के तैयारी कर रहे थे कि हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और उसमें ऐसा सिंसियर भी नहीं थे और मतलब बिल्कुल भी दिमाग में ऐसा नहीं था कि नहीं नौकरी चाहिए, बस ये था कि लोगों ने भूत रख दिया था कि इस समय तो बैंक में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो बस पेपर दे लो नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, ऐसा दिमाग में चलता था। तो वही सोच के साथ तैयारी करना स्टार्ट किया था। तो 6 महीने तक हम सर उसी कोचिंग में पढ़ते रहे और ये सोच के तैयारी करते रहे कि हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो ये लेवल था हमारा स्टार्टिंग का। ओके, तो 2000 कुल मिला के एक साल तक तुम तैयारी करते रहे बैंक की और वो हो रही थी SSC की, हाँ वो तो कहीं ना देखा कहीं ही गया हुआ तो मेरे साथ। डिस्गाइज वाला आइडिया जो है वो फिट बैठेगा कि मतलब तुम्हें लग रहा था बैंकिंग, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें SSC में ही जाना था, इसलिए वो हाँ, वहां से वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हाँ, ही रही तुम्हारे लिए, देखा हाँ जाए ये हुआ कहीं ना कहीं। तो उतना बुरा भी नहीं कहा जाएगा कि वो अच्छा ही हुआ हाँ था। नहीं बुरा नहीं हुआ, लेकिन बस वही था सर मतलब हाँ कि अगर तैयारी भी की होती तब भी ठीक था, वो सही बात, कोचिंग उतनी सही नहीं थी और हम भी वो बस ये समझ लिए वो पूरा टाइम 6 महीने की तैयारी में अगर ये बोले कि हमने 15 दिन पढ़ाई की है तो 15 दिन तो ठीक है, बाकी टाइम पूरा बर्बाद गया कहीं ना कहीं, ये फिर था आपको ऐसा। SSC के बारे में नॉलेज कैसे लगा कि हमने हमें ये करना है? ठीक है, हाँ सर हुआ कुछ ऐसा कि मतलब धीमे धीमे जब 6 महीने तैयारी करते रहे तो थोड़ा बहुत फॉर्म वॉर्म आया, तब आइडिया लगा कि यार ये तो हम गलती से SSC की लाइन में चले आए हैं। तो हमने कहा अब ये जिस कोचिंग को पढ़ रहे हैं यहाँ से कुछ नहीं होगा, इन्होंने तो बर्बाद कर दिया। मतलब वो कोचिंग ऐसी थी कि SSC की तैयारी भी करवा रही है, बैंक की भी करवा रही है, रेलवे भी, हाँ वो UPSC भी कानपुर वही में करवा पैटर्न रही है। चलता है कि वो मतलब वो हाँ उनकी गलती नहीं होती, बच्चे भी मिक्स जाते हैं तो उनको भी बिजनेस करना है तो वो सब कुछ होता है, तुम्हें जो करना है कर लो, हाँ UPSI भी करा देंगे साथ हाँ में हाँ हर चीज सर वहां चल रहा था, IAS की तैयारी वो लोग करवा रहे थे साथ में, उसी तो ये तो था। तो की फिर हाँ तो उस समय सर यहाँ कानपुर में नई नई पैरामाउंट कोचिंग आई थी, तरह। अच्छा, तो पैरामाउंट का काफी नाम सुना था, तो हमने कहा अब कुछ भी हो जाए पैरामाउंट में एडमिशन लेना है। और अक्टूबर 2016 में पैरामाउंट का पहला बैच स्टार्ट हुआ था और हमने उसमें जाके एडमिशन लिया। तो वहां से थोड़ा सा पता चला कि SSC क्या होता है, CGL क्या है, CGSL क्या है, CPO, GD, स्टेनो, इन सब चीजों के बारे में तब पता चला थोड़ा सा कहीं वहां ना से कहीं। दिशा मिलना शुरू हुई तो कि क्या करना है। हाँ कि अब क्या नाम बोलते हैं इंस्पेक्टर बनना हो तो मतलब सर ये होता है ना पहले किसी छोटी कोचिंग में अगर आप जाओ तो वहाँ वो आप पता नहीं क्यों छोटा सा दबा के रखते हैं कहीं ना कहीं, मतलब आप बड़ा सपना देख ही नहीं पाओगे, वहां सपने दिखाते ही नहीं कोई कि तुम्हें इंस्पेक्टर बनना है, बिल्कुल विक्रांत, मैं सहमत ये हूँ, मैं होता भी है। कानपुर से ही रहा हूँ और मैंने भी ऐसे जैसे तुम बता रहे हो मैं भी ऐसे ही रहा, तो यहाँ पे कोचिंग में ऐसा लगता है कई बार हमें ऑफलाइन कोचिंग्स में ऐसा फील करा दिया जाता है कि नहीं वो जो टॉप पोस्ट है वो तुम निकाल ही नहीं सकते हो, या CGL जो है एक बार में तो होता ही नहीं है, इस तरीके के हाँ जो यस विक्रांत सर, है हमको हमारे दिमाग में अंदर से बैठा दिए जाते हैं कि वो होगा ही नहीं एक बार में, तो इस वजह से काफी हम डिमोटिवेटेड रहते हैं कोचिंग में, जबकि वहां पे उल्टा होना चाहिए, हमें मोटिवेटेड होना चाहिए बट वो वहां पे उल्टा काम हो जाता है, तो बिल्कुल यहाँ छोटी कोचिंग सर ये उल्टा रहता है। हाँ मैं समझ रहा तो हूँ। फिर सर जब पैरामाउंट पहुंचे तो वहां जाके थोड़ा समझ में आया कि नहीं हर हर कोई इंस्पेक्टर बनने की बातें कर रहा है, तो थोड़ा वहां से लगा कि अब कुछ हो सकता है लाइफ में, अब सही जगह पे आए हैं, अब पढ़ाई भी सही हो रही है। और सर जब मैथ की पहली क्लास वहां पे ली तो ये लगा पहली क्लास में कि यार अभी तक तो हमने कुछ पढ़ाई की ही नहीं है, मतलब अभी तक हम सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। तो अक्टूबर 2016 से जब पैरामाउंट में एडमिशन लिया तब से मेरा जर्नी अच्छे से स्टार्ट हुआ SSC को लेके, बिल्कुल मैं विक्रांत सहमत ऐसे हूँ, शुरुआत हुई क्योंकि थी। मुझे भी पता है जैसे मेन दिक्कत क्या होती है, कहना नहीं चाहिए बट मैं आपको एक बात बताऊँ, प्रॉब्लम क्या होती है छोटी कोचिंग्स की विद नो ऑफेंस टू एनी टीचर, बट वहां पर जो वो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो खुद मतलब यहाँ पे मैं एज पेरेंट्स की वाली बात आ जाएगी कि वो खुद कहीं ना कहीं फेलियर होते हैं। अब मैं किसी टीचर की इसमें मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ बट एक बात बता रहा हूँ, सोच का फर्क, क्योंकि उन्होंने कभी खुद एग्जाम निकाला नहीं होता है तो उन्हें लगता है कि अब जब हमसे नहीं निकला तो बच्चों से कैसे निकलेगा जिनको हम पढ़ा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं खुद भी डिमोटिवेटेड रहते हैं और फिर वो बच्चों को भी डिमोटिवेट कर देते हैं, तो वो चीज काफी गलत है, मतलब ऐसा नहीं है सब टीचर्स ऐसे होते हैं, बहुत से टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी एग्जाम नहीं निकाला और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ ऐसे टीचर्स का और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, लेकिन फिर भी ऐसे भी लोग होते हैं और वो हमें डिमोटिवेट करने का काम कर देते हैं, तो राइट, तो वहां से आपने तैयारी धीरे धीरे करना शुरू किया, ठीक है, हाँ फिर वहां से तैयारी स्टार्ट आपने, किया। अच्छा, तो फिर आपने कुल मिला के अक्टूबर 2016 से तैयारी शुरू की है, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे समय लगा होगा पूरी बात को समझने हाँ में और तैयारी करने में, तो 2017 वाला एग्जाम आपने दिया था,
हाँ जी हाँ सर, 2017 का पहली बार दिया था और मेरा प्री निकल गया था, मेरा मार्क्स थे 150, तो 150 नंबर जब आया तो बहुत ज्यादा खुश थे कि अब तो मेरा हो जाएगा, ये सोच रहे थे प्री के बाद से ही। लेकिन सर जब केस हो गया 2017 पे, वो मेंस पोस्टपोन होता चला गया, तो वहां पे सर गलती हमसे ये हो गई कि मतलब वो होता ना कि अरे अभी तो एग्जाम और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, तो हमने थोड़ी सी मेहनत पे कमी कर दी, वो मेरी गलती थी कहीं ना कहीं। अच्छा सर देखिए, मतलब सिस्टम मान लीजिए करप्ट है, हमने मान लिया, उसमें धांधली हुई थी जो कुछ भी हुआ, लेकिन जिन बच्चों को नौकरी लगी है, बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने मतलब बहुत से क्या ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत की और नौकरी मिली, हमने नहीं की तभी तो नहीं मिली। तो अगर मेरे हिसाब से अगर किसी एग्जाम में एक सिंगल वैकेंसी भी है और वो नहीं मिल रही है, तो गलती सिस्टम की नहीं आपकी है कि आपने उसके लायक मेहनत नहीं की कहीं ना कहीं। वेरी गुड, मतलब बहुत पूरी गलती मेरी थी, बहुत अच्छी बात तुमने कही है, क्योंकि आपको ऐसे बच्चों की भरमार मिलेगी। मुझे ऐसे बच्चों के बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर क्या एसएससी से उम्मीद छोड़ दें, क्या एग्जाम होगा ही नहीं, अब जैसे अभी कोरोना आ गया तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो बच्चे इसमें भी निराश है। लेकिन आप ये सोचिए, अब ये तो जो समय है इसमें तो हम एसएससी को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भाई टाइम ही ऐसा चल रहा है। एसएससी क्या हो गया, आप नीट पीजी का एग्जाम ले लो, नीट के सारे एग्जाम्स ले लो, जेई के एग्जाम ले लो, कोई तो एग्जाम नहीं हो रहा है इस समय और ना कंडक्ट किया जा सकता है, और सर सही भी नहीं है इसमें होना, बिल्कुल होना सही नहीं है। और ऐसे में आपके जब भी एग्जाम हो, आपकी तैयारी होनी ऐसी होनी चाहिए कि मान लो अगर कल एसएससी नोटिस निकाल दे कि एकदम से कोरोना खत्म हो रहा है और हम 1 जुलाई से एग्जाम ले रहे हैं, तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप 1 जुलाई को एग्जाम देकर आए। वो ये जो तुम्हारी समझ है तुम्हें भी देता पाई होगी जब तुमने उस फेलियर को फेस किया होगा, तो फेस किया सर तभी समझ आता है, जब असफलता हम देखते हैं तब हमें अच्छे से समझ में आता है कि नहीं यार हम सिस्टम गलत होगा, तमाम चीजें गलत होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ। सही बात है सर। और तो हम ये एक सब्जेक्ट पे आ जाते हैं और एक एक सब्जेक्ट पे एक एक टीयर के वाइज बात करते हुए चलेगी कैसे आपने तैयारी करी। तो सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को मैथ्स में ही रहती है। मैथ्स कैसे आपने तैयारी करी थी, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी थी, और मैं 2-3 चीजें और आपसे पूछूंगा मैथ्स के बारे में। तो पहले आप ये बताइए आपने मैथ्स की तैयारी कैसे की थी और कौन कौन सी बुक्स फॉलो। सर अगर बुक्स की बात करें तो सर मैथ्स का कोई भी चारों में से सब्जेक्ट अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए सबसे पहले, मतलब आपको पता तो चले एग्जाम में आता क्या है और आपको कितना आता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का भी नाम दीजिए, क्योंकि बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैं भी बोल देता हूँ, फिर उसमें सवाल आता है कि कौन से प्रीवियस ईयर पेपर, मार्केट में बहुत सारे हैं, तो कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर की किताब लेनी है। जैसे राकेश सर की बुक आती है और किरण की आती है, तो दोनों बुकें अच्छी हैं, कोई सी भी एक ले सकते हो, दोनों ही किताबें अच्छी हैं। या फिर एक का नाम बता दो, क्योंकि ये छोड़ेंगे नहीं, कमेंट में आके दोनों में से ही पूछेंगे कि उनमें से कौन सी, तो एक बता दो कोई तो सर। ऐसे तो मतलब दोनों ही अच्छी, हमने दोनों ही लगाई थी, मतलब हमने ऐसा था ना सर थोड़ा सा लेना, ज्यादा ही डाउट हो तो बुक स्टोर पे जाना और देखना की कौन सी वाली तुम्हें ठीक लग रही है वो ले लेना, कौन सी सस्ती वो ले लो यार, दोनों ही ठीक है। अच्छा बाकी एक चीज क्लियर कर दें, जैसे सर राकेश सर की बुक है तो उनके बुक में अच्छी बात यह जो सोल्यूशन दे रखा है वो थोड़ा अच्छा दे रखा है, और जो किरण वाली बुक है उसमें क्या टाइप वाइज दे रखा है, बिल्कुल सही, तो दोनों का एक अब, है कि उसमें हाँ, है कि उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं और राकेश सर में ये बताते हैं कि सोल्यूशन उन्होंने सोल्यूशन अच्छा दे रखा है, तो अब अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए, चाहो तो दोनों ले लो, एक बार किरण खत्म कर लो और एक बार तुम राकेश यादव खत्म कर लो, बस तुम्हारे ऊपर है। तो कितने बार तुमने किरण या फिर राकेश यादव लगाई होगी। लगाए तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं, तो 4-5 बार तो लगाई होगी आराम से, 4-5 बार तो लगाई होगी, तो ये मैं इसलिए पूछना जाना चाह रहा था क्योंकि बच्चों का ये रहता है कि एक बार लगा ली सर आप कौन सी किताब लगाए, तो भाई एक बार लगा ली कम से कम उसी को 4-5 बार खत्म तो करो फिर दूसरे पे आना। उसके अलावा बेटर है, उसके अलावा सर जैसे क्लास नोट्स है राकेश सर के तो वो बहुत सही है, मतलब हमें सर मैथ्स में नोट्स बनाना सही नहीं लगता, मतलब क्यों टाइम खराब करें जब नोट्स पहले से बने बनाए मिल रहे हैं, उसमें क्या मालूम कोई कंसेप्ट आपको नहीं आ रहा है तो वो आप उसमें तुरंत देख सकते हो, तो सबसे बेस्ट है वो तो ले लो आप लोग, अगर आप पेड कोर्स ले रहे हो तब भी या सेल्फ कर रहे हो तब भी, तो क्लास नोट्स तो जरूर लेना। तो ये बताओ, अच्छा जो सबसे बड़ी आजकल की तारीख में प्रश्न है और आप खुद ही जानते हो, आप भी उन टीचर्स से पढ़े हो, तो एक जो एक मिथक बन गया है कि जो अब मैथ्स का पैटर्न बदल चुका है, मैथ्स में बहुत अलग लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं या मैथ्स में बहुत अलग तरीके का पेपर आ रहा है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि मतलब जो आपने कहा ना ये प्रीवियस ईयर बुक्स, क्या प्रीवियस ईयर पेपर्स बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। हाँ
नहीं सर, ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं है। मतलब अगर आप 2018 के 2019 के पेपर देखें, तो अगर आपने ये प्रीवियस से लगा लिया ना, तो सब कुछ तो आपको यही मिल गया। इसमें आसान क्वेश्चन भी है, टफ भी है, मॉडरेट भी है, लेंथी भी है, कैलकुलेटिव है, तो सारे टाइप का तो मिक्सअप यही मिल जाता है। तो कुछ ऐसा मतलब, हाँ मतलब आपको टफ क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से पहले ये सब खत्म कर लीजिए। अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन गए उसके बाद करते हैं तो सही है, लेकिन उससे पहले मेरे हिसाब से सही नहीं है। हमने देखा लोगों को स्टार्टिंग से कैट की बुक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सही नहीं है। एक बार किरण लगा ली है उसके बाद टफ क्वेश्चंस लगाते हैं तो सही है। हाँ मतलब एक बार आपको नहीं, एक बार लगा ली मतलब वो नहीं किया, मतलब आपको अगर आ गया है वो कंसेप्ट, आपको अच्छे से क्लियर हो गए, फिर लगाओ चलता है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है। अब टाइम नहीं है और फिर भी कैट लगाए पड़े हैं और किरण अभी कंप्लीट नहीं है, तो वो नाइंसाफी है, अब वो सही नहीं एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में सर सबसे ज्यादा आसान सवाल आते हैं, टफ तो गिने चुने होते हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत विक्रांत सही कह रहे हो, क्योंकि आज की तारीख में आप खुद जानते हो, इवन आप भी टीचर से पढ़े हो, कि जो टीचर सिर्फ और सिर्फ टफ क्वेश्चंस पे जोर दे रहे हैं कि नहीं सिर्फ टफ क्वेश्चन लगा लो और टफ क्वेश्चन लगा लो। मैं भी, मेरा भी मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ बेशक, लेकिन मैंने भी एग्जाम निकाला है और इतना मैं एग्जाम को देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ कि टफ जरूरी है, हो सकता है जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई प्रीवियस ईयर लगाओगे तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं। आज भी पेपर ये में सर बहुत गलत बात है कि आज भी पेपर में 70-80% पेपर मतलब इजी टू मॉडरेट आ रहा है, कैलकुलेटिव हाँ। है, लेकिन उसे टफ कहना गलत है। टफ नहीं है सर, कैलकुलेटिव है सिर्फ बस। हाँ तो कहने का और मतलब सर एक बताइए सर, एक चीज और बोलना चाहेंगे, मतलब ये मार्केट में जो एसएससी के मार्केट में इतना ये भ्रम जो फैलाया गया ना, वो इसलिए से टेस्ट सीरीज है वो टफ इसलिए बनाई जाती है कि आप जब टफ क्वेश्चन करोगे आप नहीं कर पाओगे तभी आप पेड कोर्स खरीदोगे। ये कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने ऐसा बना रखा है कि जब चीजें टफ होंगी ना तो ऑटोमेटिक तुम बोलोगे हमें तो आता ही नहीं है, तो अब पेड कोर्स तो लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये थोड़ा सा है, अब इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, इस पे जो व्यूअर्स हैं वो संज्ञान लें और अपनी बात समझे वो क्या कहना चाह रहे हैं विक्रांत, क्योंकि अभी विक्रांत ने बताया नहीं कि वो मुझसे कहाँ पे सबसे पहले मिले थे, तो वो हम अभी सीक्रेट ही रखते हैं। तो ठीक है, आपने कुल मिला के बात की, आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए और उसके बाद उसके अलावा किरण के अलावा और कोई बुक्स लगाई? और सर कोई बुक्स नहीं लगाई मेरे साथ, याद करो शायद कोई लगाई हो। पीडीएफ वगैरह जो मांगे? नहीं कोई नहीं, पीडीएफ नहीं सर, पीडीएफ पीडीएफ का, हाँ पीडीएफ का आपको बता दे, जैसे मान लो किरण की बुक हमने 2017 में खरीदी और एग्जाम दे रहे 2018 में, तो बीच पे कुछ पेपर्स हो जाते हैं, तो वो पेपर्स क्या बोलते हैं पीडीएफ पे ढूंढ लो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं उनसे। हाँ मतलब आपने कुल मिला के बेसिकली रिलाय प्रीवियस ईयर पे ही किया है और हाँ सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा आ गया वो भी लगाते हैं, क्योंकि मान लो हाँ वो पीडीएफ में लगाते चले गए। एक और मैं सबसे जरूरी बात आपसे ये पूछूंगा कि जैसे मैं क्लास लेता हूँ, तो मेरे क्लास में क्या होता है, मैं कोर्स में नाम लिख देता हूँ कि कंप्लीट इंग्लिश कोर्स फॉर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ। अब उसमें मान लो मैंने गलती से एमटीएस नहीं लिखा, तो एमटीएस वाला बच्चा आगे मुझे पूछता है कि सर ये क्लास एमटीएस एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो ये बताओ क्या इतना डिफरेंशिएट करना है सीजीएल में सीएचएसएल में सीपीओ में सीपीओ एमटीएस में स्टेनोग्राफर? सर हमें तो कुछ भी डिफरेंस समझ में नहीं आता, सच बता रहे हैं, मतलब हमें इंग्लिश एसएससी की इंग्लिश तो सारी सेम ही है, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लेवल का फर्क आ जाता है। मैं सर मेरे हिसाब से सर अगर सारे सब्जेक्ट की बात करें तो लगभग चीजें सेम ही आती हैं, बस हल्का फुल्का लेवल का डिफरेंस आ जाता है। और बहुत बार तो सर ये ऐसा होता है कि सीजीएल सीजीएल का पेपर टफ सॉरी इजी आता है और सीपीओ का या सीजीएसएल का उससे टफ आ जाता है, तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि पेपर कैसा आएगा, तो पढ़ना तो सब कुछ चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही कह रहे हो कि पढ़ना सब कुछ वही है, आपको बस पेपर अलग अलग दे देने हैं, और इसीलिए मतलब मेरा ये भी कहना रहता है कि आप सारे एग्जाम्स को भले ही तुम सीपीओ की नौकरी मत करना, लेकिन कम से कम एग्जाम दोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम कहाँ पे हो, कितने पानी में हो। तो मैथ्स में कुल मिला के सर अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, तो मैथ्स अच्छा आप दिन में कितने घंटे लगाते थे ये भी लोगों को? मैथ्स लगभग सर 2-3 घंटे, 2-3 घंटा मैथ्स आप लगाते थे, तो टारगेट वाइज बना के लगाते थे कि आज मैं ये चैप्टर लगाना है और फिर उस तरीके से लगाते थे। हाँ मतलब इसी टाइप से सर कि 2 दिन में परसेंटेज खत्म करना है या 4 दिन में अलजेब्रा खत्म करनी, तो इस हिसाब से मतलब क्वेश्चन का नहीं होता, बस ये था कि सारे कांसेप्ट मेरे क्लियर हो जाए। ओवरऑल दिन में कितने घंटे पढ़ाई हो जाती थी? सर टारगेट तो हमेशा 8 घंटे का बनाते थे, पर वो 8 घंटे होता नहीं है सर, 6-7 घंटे के आसपास निकल आता था लेकिन। हाँ तो यही बस ठीक है, अगर आप सीधी सी बात है कि अगर आप कोशिश करोगे ना, मतलब यार बाइक भी जब हम चलाते हैं तो अगर हमने टारगेट किया है कि 100 की स्पीड टच करनी है, तो फिर 80 पे जाके डर लगने लगता है ना,
कोई भी चीज है, कहने का मतलब अगर हम अपने टारगेट को थोड़ा बड़ा रखेंगे तभी तो उसके आसपास अचीव करेंगे। अगर हम पहले ही सोचने की नहीं यार मुझे तो एमपीएस ही निकालना है तो सीजीएल का सोचोगे भी नहीं। सही बात है सर, एटलीस्ट अपने लक्ष्य तो बड़े रखो। तो हमने मैथ्स की आई थिंक बात कर ली आपने, हमने की आपने और इशारों शोरों में भी बता दिया आपने पढ़ाई कहाँ से की थी और सारी बातें आपने बता दी बेसिकली। तो लेट्स नॉट कम टू अच्छा टीयर वन और टीयर थ्री अलग अलग तैयारी की थी एक बार। सर मैथ्स में एक बात बतानी है, जी जी एक चीज रह गई छूट गई। तो मैथ्स में सर एक चीज ये बड़ा गलत हम लोगों के साथ होता है कि किसी दोस्त ने कोई क्वेश्चन हम लोगों को भेज दिया पेपर से कॉपी पेन पे लिख के, और हम लोग क्या करते हैं बस उसी क्वेश्चन के पीछे पागल से घूम रहे हैं। तो मतलब ये चीज गलत है, सबसे पहले उससे ये पूछो ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है, ये क्वेश्चन आया कहाँ से, मतलब फालतू में क्या मतलब। वो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना सर टीचर को परेशान करने के लिए बनाए जाते हैं, तो इनसे इनसे दूर रहे। साथ में आपको बता दूं आप जिनकी बात कर रहे हो मैंने उनके साथ काम किया, आप जानते हो हम लोग साथ में ही काम करते थे और एक ही जगह पढ़ाते थे। मैं आपको बताऊं वो उनको मैंने अपने अपने कानों से अपने आंखों के सामने उनको अपने कंटेंट राइटर से ये बोलते सुना है कि बेटा क्वेश्चन ऐसा बनाना कि बनाने के बाद तुमसे भी ना हो। आप समझ रहे हैं? तो ये टारगेट हाँ, समझ रहे हैं सर। ये टारगेट होता था कि क्वेश्चन ऐसा बनाओ कि बनाने के बाद मुझसे भी ना हो तुमसे भी ना हो। और फिर रही बात क्योंकि आपने सवाल बनाया तो बेटा आपसे तो हो ही जाएगा, पर आप मुझे मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा उसमें मैंने 68 × 63.3 किया है तो वो मुझे याद है, और जब मैं स्क्रीन पे जाऊंगा तो मैं उसको फटाक से लिख दूंगा और बच्चे सोचेंगे गजब ये तो जादू हो रहा है, जादू हो गया। ये तो जादू हो रहा है और उस समय लगता भी हमें जादू है क्योंकि हम देखो जब एस्पायरेंट की मनोदशा होती है वो बहुत ही फ्रेजाइल होती है। एस्पायरेंट बहुत डरा हुआ होता है और उसको बहुत कुछ सोचना होता है। देखो एज अ टीचर हमारे ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है जितनी आपके ऊपर होती है। आपका करियर दांव पे होता है, हमारा क्या है, हम तो आज पढ़ा रहे हैं तुम्हें नहीं तो किसी और को पढ़ाने लगेंगे, और जिस तरीके की गलत टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिली जाएंगी, उस टेक्निक से कुछ ना कुछ सफलता मिली जाएगी, राइट। तो वो चीजें मतलब मैं बता ही दिया है कि वो वहां पे होता था जो तुमने बताया ना, और वो जो मैं समझ गया हूँ कि वो होता है कि वो एक क्वेश्चन लिख देते हैं मास्टर साहब और फिर वो व्हाट्सएप पे स्टेटस में लग जाता है, उसके बाद वो बच्चे उस क्वेश्चन में लगे हुए हैं, पता लग रहा है कि मैं लगा रहा था परसेंटेज और उसके अगले 3 घंटे से मैं उस क्वेश्चन में जुटा हुआ हूँ क्योंकि मास्टर साहब ने स्टेटस में लगाया मुझे ईगो अपना सेटिस्फाई करना है। तो ये ईगो के सेटिस्फाई के चक्कर में मत पड़ो बेटा, क्योंकि तुम्हें ना जीआरई निकालना है ना तुम्हें जीमैट निकालना है ना तुम्हें कल को यूट्यूब पे पढ़ाना है और ना ही कल को तुम्हें बच्चों को मूर्ख बनाना है। तुम्हारा काम है सीजीएल से एक नौकरी लेना, तो तुम अपना पूरा फोकस उस नौकरी के लेने पे लगो और उसके लिए वो काम करो जो विक्रांत ने किया है। और विक्रांत के अलावा मैं और भी बच्चों के आपको इंटरव्यू दिखा दूंगा, या इसके अलावा मैंने CTWT कैमोमाइल टीवी टॉपर्स अनअकैडमी पे होता है उस पे मैंने कई इंटरव्यू टॉपर्स का इंटरव्यू लिया, आप जाके सुनिए वहां पे कितने लोगों ने इस तरीके के सवाल लगाए हैं। तो अपने ऊपर भरोसा रखो और अपनी उन टीचर्स की बात पे भरोसा रखो, टीचर्स में मत करो। ये विक्रांत जैसे लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि विक्रांत को टीचर नहीं बनना है, उसका एस्पायरेशन टीचर बनने में फिलहाल तो नहीं है, अगर होगा तो वो अलग बात है बट अभी तो वो नहीं बनना चाह रहा है। तो विक्रांत को बेनिफिट नहीं है इस बात को बताने से या इस बात को ईमानदारी से कहने में कि ये ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है, इसलिए समझो मैं थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा हूँ विक्रांत से, ज्यादा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बट ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही गंदी तरीके से मार्केट में भ्रम फैला दिया गया है और बच्चों को ठगा जा रहा है, लिटरली ठगा जा रहा है उन टफ क्वेश्चंस के नाम पे। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है, आपने बिल्कुल सही बात की विक्रांत। तो खैर हम मैथ्स की बात आपने बता दी, और कुछ आप मैथ्स में ऐड करना चाहेंगे? नहीं बस हो गया सर। तो नेक्स्ट बात हम करेंगे इंग्लिश की। तो अच्छा हाँ, मैं एक मैथ्स में जो पूछ रहा था वो चले गए थे कि टीयर वन और टीयर टू की तैयारी में क्या कुछ डिफरेंस होता है कि टीयर वन की तैयारी ऐसे करते हैं और टीयर टू की तैयारी में डिफरेंस लाते हैं? नहीं सर कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है। और यहाँ तक कि 2019 के आरंभ में सीजीएल देखे तो प्री थोड़ा टफ आया था और मेंस का जो लास्ट वाला पेपर था वो कितना आसान था, आपने भी देखा होगा। वो तो एक एक्सेप्शन है, वो गलत हुआ है वो चीज है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है सिस्टम में। तो मतलब प्री मेंस दोनों बराबर है और साथ लेके चलिए स्टार्टिंग से। बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो अच्छा आप ये बात, मैंने स्कूल का नाम तो पूछ लिया, आप यूपी बोर्ड से थे? यस सर, यूपी बोर्ड से थे, हिंदी मीडियम। तो मतलब मैं भी हिंदी बोर्ड हिंदी मीडियम से था, तो बेशक आपको अंग्रेजी में थोड़ी दिक्कत रही होगी। हाँ सर, सबसे ज्यादा दिक्कत इंग्लिश में कहीं ना कहीं रही।
कैसे वोकैबलरी याद की, कैसे ग्रामर याद की, और कैसे रीडिंग एबिलिटी वाले पार्ट को टैकल किया। हम एक एक चीज पे आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वोकैबलरी की, वोकैबलरी कैसे करते हैं। वोकैब का तो हमें सबसे सही लगता था प्रीवियस ईयर, फिर भी अपने प्रीवियस ईयर याद करने की कोशिश की सर याद नहीं हो रहा था। तो सर इंग्लिश की किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, तो उसमें क्या दे रखा है कि सारी वोकैब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दे रखी है। तो उससे फायदा ये मिलता है, जैसे मान लो हमने आज सोचा कि आज हम 20 क्या नाम वन वर्ड याद करेंगे, तो पहले उन 20 वन वर्ड को हमने 2 मिनट का 3 मिनट का टाइमर लगा के खुद से सॉल्व करने की कोशिश की, और फिर बाद उसे चेक किया और फिर तीसरी बार में पढ़ा, तो उससे हमें ज्यादा फायदा मिला। मतलब हमें ऐसा लगता था कि एक बार जब हमने उसे सॉल्व किया तो वो क्वेश्चन हमने एक बार देखा, फिर जब चेक किया तब देखा, और तीसरी बार जब उसे समझने की कोशिश की तब देखा, तो मतलब नॉर्मल से ये 3 गुना ज्यादा फायदा मिला। तो ऐसे वो कैब याद करने की कोशिश की, मतलब काफी सही लगा हमें। किरण से ही वो कैब याद की थी। हाँ किरण से, और नीतू मैम वाली बुक थी उसे भी पढ़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि एसडी बख्शी वाली बुक है उससे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मिला तो किरण वाली बुक से। न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे कभी? सर पढ़ने का बहुत बार स्टार्ट किया, 4-5 बार स्टार्ट किया और 2-3 दिन पढ़ा भी, फिर थक हार के बंद कर दिया। फिर आप क्या, अगर न्यूज़पेपर नहीं हो रहा तो नॉवल स्टार्ट करो, थोड़ा मतलब इंटरेस्ट बनेगा। तो हाँ आपका ये नॉवल वाला आइडिया हमने सबको बांटा कि अगर आपसे न्यूज़पेपर नहीं हो रहा तो आप भी नॉवल स्टार्ट करो, हमें बहुत फायदा मिला उससे कहीं ना कहीं। कौन कौन सी नॉवल आपने पढ़ी है बता दो सर, तो वो लोग पढ़ लेंगे। आपने सर अब आप ही ने बताया था कि 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ सबसे पहले स्टार्ट करना, अ गर्ल इन अ रूम 105 वो, और अल्केमिस्ट, तो ये सब पढ़े। मतलब भाई मैंने ये कहा था कि देखो अगर न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो हम जैसे बच्चे जो बिल्कुल हिंदी मीडियम से आए हैं, हमारे साथ में दिक्कत ये होती है कि हमने फिजिक्स में करंट नहीं तरंग पड़ी होती है, राइट? तो हमने रेजिस्टेंस नहीं प्रतिरोध पड़ा होता है। तो समस्या ये होती है कि हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि अगर हमारे सामने ढेर सारी अंग्रेजी कहीं लिख दी जाए, आप नॉवेल और न्यूज़पेपर छोड़ दो, एक नोटिस लगा दो आप कंप्लीट इंग्लिश में जिसमें खूब सारी इंग्लिश लिख दो, हम लोग वो पढ़ने से डर जाएंगे। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, अगर मैं हम स्कूल से निकलते तब हमारी मनास्थिति यही होती, क्योंकि हम लोगों ने खूब सारी अंग्रेजी सब पढ़ी नहीं, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें तो रट रटा के कैसे ना कैसे पास हो जाते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन खूब सारी अंग्रेजी पढ़ना हमारी आदत नहीं होती है। इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ो, तो हम लोगों के लिए न्यूज़पेपर उतना आसान नहीं है, लेकिन जो बच्चे ठीक ठाक बैकग्राउंड से हैं, मान लीजिए CBSE से पढ़े हैं, अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं, ICSE से हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है, तो आपको मैंने विक्रांत पे अपनी क्लासेस की बात बता रहा है, मैंने अनअकैडमी पे ही क्लासेस में बात की थी कि अगर न्यूज़पेपर नहीं हो सकता है तो आप नॉवेल्स पढ़िए। अब नॉवेल्स में भी देखो यार, डैन ब्राउन पढ़ने लगोगे तो फाड़ फूड के फेंक दोगे और मुझे तो गाली अलग से दो। तो डैन ब्राउन पढ़ने समझ नहीं आएगा आराम से, चेतन भगत को दुनिया गाली देती है, देने दो, तुम खरीद के ले आओ, तुम्हारे लिए वो बहुत सही है, तुम्हारी अंग्रेजी वही सुधारेंगे, तो तुम चेतन भगत को खरीद के ले आओ, कोई भी नॉवेल अच्छा बुरा सब बढ़िया लगेगा तुमको, क्योंकि तुम्हें बॉलीवुड फिल्में सलमान भाई की पिक्चरें पसंद होंगी, तो उसकी नॉवेल्स भी तुम्हें कभी ना कभी पसंद आ ही जाएगी, ठीक ही होती हैं, इतनी खराब नहीं होती जितना लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो चेतन भगत की नॉवेल से पढ़ना शुरू करो, उससे कम से कम जो मेरा खौफ है कि मैं एक साथ पूरा अंग्रेजी का पैराग्राफ नहीं पढ़ सकता, कम से कम वो खौफ दूर होता है, राइट? सर यहाँ पे एक बात ऐड करेंगे, चेतन भगत सर का ऐसा है ना कि जैसे बिग बॉस है गालियां हर कोई देता है लेकिन देखते सब है, देखते सब वो वाला हाल है कि वो गालियां सबको देंगे, और अभी वही बात है सलमान भाई की पिक्चर के साथ भी कि ट्रोल सब कर रहे हैं, और अभी जैसे लेकिन देखेंगे राधे फ्री में अवेलेबल राधे रिलीज होगी सब देखने जाएंगे करके, तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो दुनिया गाली देगी लेकिन वो धीरे से वो देख वही लेते हैं और पढ़ वही लेते हैं, वो वाली बात है। वो जो आर्टिकल्स नहीं आते हैं कि न्यूज़पेपर में, कि न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल होता है कि करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को अनफॉलो किया, तो वो उस न्यूज को क्रिटिसाइज सब कर रहे हैं कि न्यूज जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा क्लिक्स उसी हाँ, हाँ, सबसे ज्यादा हाँ, तो इसीलिए वो न्यूज पेपर वाले डालते भी है। तो कहने का मतलब है कि आप पढ़िए, कम से कम कहीं से भी अंग्रेजी पढ़ने की आदत डालिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वोकैबुलरी का आपने बता दिया कि आप इस किताब से पढ़ते थे, ठीक है, ग्रामर के लिए आप क्या करते हैं? सर ग्रामर के लिए जब हमने 2017 में ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट की थी, तो हमें पैरामाउंट में मैथ तो समझ में आया, सब कुछ सही जा रहा था, पर इंग्लिश में समझ में तो आता था पर कहीं ना कहीं वो सिर्फ मतलब बना नहीं। जब मैं CHSL का एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम, हमने अभी तक कहीं बताया नहीं ये चीज़, तो मेरे इंग्लिश में 4 नंबर आए थे सिर्फ 50 में से, सिर्फ 4। तो मेरा बाकी सब में स्कोर सही था, तो हमें लगा ये निकल जाएगा इस बार आराम से, और जब हमने इंग्लिश का किया गलत 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 सारे गलत, तो पता चला सिर्फ 4 नंबर आए।
तो फिर हमें वहां पे ऐसा लगा कि इंग्लिश क्या ना बोलते हैं, टीचर तो पढ़ाते रहेंगे, खुद पढ़ने से ज्यादा आएगी कहीं ना कहीं। तो फिर हमने खुद से सर पढ़ना चालू किया, नीतू मैम की बुक और एमबी पब्लिकेशन जो आपने बताई थी, तो वहां से स्टार्ट किया और वो सच में बहुत ज्यादा फायदा किया उसने कहीं ना। मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि इंग्लिश में टीचर्स तो पढ़ाते ही हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन जब तक आप खुद से लगाओगे नहीं बिल्कुल फायदा नहीं। हाँ वही, ये बताएं एक जैसे बात, मैथ्स में था ना कि सर, हाँ आप बोल लीजिए सर पहले। आप बोलिए बोलिए बोलिए। तो सर जैसे मैथ्स में क्या होता है ना, टीचर ने बताया हम लोग घर पे जाके सवाल लगा लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, टीचर ने वहां पढ़ा दिया, हम लोग घर पे पढ़ते नहीं है उस चीज को, रिवाइज नहीं करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो यही चीज बोलना, दिक्कत हो जाती है। मैं यही लिखने वाला था, यही बोलने वाला था कि प्रॉब्लम वही है जो आपने कहा ना कि टीचर्स ने पढ़ाया बट आपको फायदा नहीं हुआ। होता क्या है, हम इंग्लिश को जरूरत से ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हाँ हैं, हाँ और सही बोल रहे हैं आप। हालांकि आप फॉर ग्रांटेड लेना अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि पेपर अब आसान है, ये तो एक सत्य है, लेकिन इतना भी फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिए कि पता लगा टीचर ने पढ़ा दिया और हम उसको घर में जाके मैथ्स ही लगा, तो वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन मैथ्स में, आपको जैसे ही टीचर ने परसेंटेज पढ़ाया आपने घर में आके उसकी शीट या फिर किताब से कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस तो लगाए, अंग्रेजी में आपने वो किया ही नहीं, तो अब जब भाई किया नहीं तो रूल्स या ऐसा तो याद रहने वाले हैं। मैथ्स में अगर टीचर पढ़ा दो आप सवाल मत लगाइए, दूसरे दिन भूल जाएंगे। वही चीज इंग्लिश के ग्रामर में भी है कि जब तक आप खुद से क्वेश्चंस लगाएंगे नहीं तब तक आप नहीं सफलता पाएंगे। तो इंग्लिश के लिए बुक्स बता दो कौन कौन सी आपने लगाई। सर नीतू मैम की वॉल्यूम 1 आती है केडी पब्लिकेशन की, और एमबी पब्लिकेशन और किरण वाली, तो मेरे पास दोनों थी, एमबी पब्लिकेशन भी थी और किरण भी थी। सर होता ये था ना, हम मतलब किताबों से थोड़ा जल्दी बोर हो जाते हैं, तो जैसे हम क्या करते थे कि मान लो हमने डेली हम 2 सेट लगा रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के, 25-25 के, तो मेरा मन लग रहा है, अब पता चले 4 दिन बाद मेरा मन उस चीज से हट रहा है, तो हम क्या करते थे किरण पब्लिकेशन में सेम वही चीज, इरर के 1000 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हमने क्या एक काम करते हैं, आज एमबी नहीं लगाएंगे, आज इरर के 50 क्वेश्चन लगा लेंगे, तो मतलब हम दोनों को मिक्स करके पढ़ते थे कहीं ना कहीं, तो उससे मतलब थोड़ा सा मेरा मन लगा रहता था इंग्लिश सही अप्रोच है बिल्कुल, कि मतलब कहीं ना में। कहीं से कैसे भी करके मन लगा रहना और पढ़ाई करते रहना है, उससे हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं भी यही किताबें सजेस्ट करता हूँ कि नीतू मैम की वॉल्यूम 1 आप ले लो, एमबी पब्लिकेशन ले लो, किरण भी ले सकते हो। किरण मैं थोड़ा इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि किरण में आंसर्स गलत बहुत ही है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ, बस किरण का सबसे बड़ा ड्रॉबैक सर यही है कि उसमें तुम लोग कहीं ना किरण कहीं पढ़ते एरर दे हो रखी तो है। क्लास में आके पूछते हो कि इसका आंसर तो गलत ही है। तो अभी और दूसरी चीज मैंने ये रिसेंटली ऑब्जर्व किया है कि ये एमबी में भी होने लगा है, एमबी में भी काफी गलत आंसर दे रहा हाँ, है, तो ये एमबी में भी होता एमबी है, पहले नहीं जैसे जो होता था पुरानी अभी। वाली बुक थी वो हाँ सही थी काफी, वो और गलत हम है, भी ये सर यही बोलते हैं कि मैं मतलब अगर एमबी कोई ले तो वो 2017 के पहले वाली पुरानी बुक ले, क्योंकि नए वाले एक तो पेपर भी काफी आसान हो गए हैं, तो वो तो बच्चा वैसे भी कर लेता, पहले के पेपर का कुछ अच्छा लेवल था, तो अगर आपने अच्छा लेवल एक बार अच्छे से कर लिया है तो ये नया वाला तो आप आराम से कर लो। बेसिकली दोनों ही कर लें तो ठीक है, मतलब आप पुरानी भी ले लो नई भी ले लो और कर लोगे तो हो जाएगा, हाँ बाकी किरण भी ले सकते हो। साथ ही साथ एक और किताब मैं सजेस्ट करता हूँ, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ले लो, उसमें एरर के लिए वो अच्छी किताब है, सेट वाइज पेपर दिए हैं, 300 सेट है उसमें, तो आप एरर अगर लगाना है तो वो बहुत बढ़िया किताब। और उसमें देखिए दोनों ही किताबें एमबी हो चाहे मिरर हो, दोनों ही बिहार के ऑथर्स ने लिखी, और अच्छी बात यह है कि अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो ये किताबें बहुत बढ़िया है, इसमें हिंदी में सोल्यूशन देते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं सोल्यूशन, तो इसलिए ये किताबें अच्छी हैं, आप चाहो तो इन किताबों को लगा सकते हैं। तो ठीक है आपकी इंग्लिश की बात हो गई, इंग्लिश में तीसरी बात करेंगे हम लोग पैरा जर्नल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज लिस्ट की। ये जो तीन चैप्टर्स हैं इसमें बहुत दिक्कत रहती है लोगों को और इसमें ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो इनको कैसे टैकल किया। सर इसे ये मतलब पूरा इसका श्रेय आपको जाता है, आपने पहला वो नॉवेल का बताया, तो वहां से थोड़ा मतलब रीडिंग का आदत हुआ, तो फिर जब पैसेज पढ़ते थे तो बोरियत थोड़ी सी कम होगी। पहले क्या होता था, पैसेज पढ़ तो रहे हैं पर ना वो समझ में आ रहा, मतलब लगता जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन जब नॉवेल पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर वो ये हुआ कि पैसेज धीमे धीमे समझ में आने लगा, पर हाँ थोड़ा टाइम लगा, 1-1.5 महीना लग गया आराम से, लेकिन हाँ फिर वो समझ में आने लगा। और दूसरी चीज सर, जब आप क्लास करवाते थे तो क्लास की स्टार्टिंग में आप कभी पैसेज, कभी क्लोज टेस्ट, कभी पैरा जंबल स्टार्टिंग में करवाते थे, तो उससे क्या था, डेली का डेली मतलब एक पैसेज की प्रैक्टिस हो रही है, डेली एक क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हो रही है, तो वो जो रेगुलरिटी बनी रही 3 महीने, तो वो सबसे ज्यादा फायदा किया कहीं ना कहीं। जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं एकेडमी पे 2 घंटे की क्लास लेता था, तुम लोग बोर भी हो जाते थे वैसे, लेकिन अभी हाँ भी मतलब बोर तो 1.5 घंटे होते थे की क्लास लेकिन चलता था सर, कैसे भी घसीटते थे, पढ़ना तो है वो पढ़ना है। वही चीज है कि देखिए रीडिंग अगर आप कभी भी नोटिस करो, दिक्कत तो इंग्लिश में सबको होती है लेकिन दिक्कत को दूर करने के प्रयास भी हम सबसे कम अंग्रेजी में ही करते हैं, उससे ज्यादा समय आप जीएस को दे देते हो लेकिन इंग्लिश को नहीं देते। अब इंग्लिश में जो 3 चैप्टर मैंने बताया पैरा जनरल क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
तीनों ही दिक्कत है, लेकिन अगर बच्चों को कह दो लगाने को कह दो तो लगाए नहीं, नहीं दिक्कत है, लेकिन ये नहीं कि उसको हम लगाएं, उसको दूर करें, दूर नहीं करने की कोशिश। तो सीधी सी बात है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। वही वोकैबुलरी जो तुम सुबह याद कर रहे हो, वही वोकैबुलरी उसमें पूछी जानी है, वही वोकैबुलरी से आप क्वेश्चंस बना सकते हो। बाकी पैरा जंबल्स तो मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के बन जाते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा आप लोगों को खुद करना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये हो गई क्वेश्चन समझने के ऊपर है। और एक चीज सर और, कि मतलब मेंस के टाइम पे 200 में से 75 का ये तीनों चैप्टर आते हैं, तो मतलब इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए मेंस के टाइम खासकर। पहली क्लास में यही बात बताता हूँ अपने कि इंग्लिश में जो तीन तुम्हारे सेक्शन है 75% तुम्हारा यही से आ रहा है। अच्छा एक चीज ये बताइए कि आपके मैथ्स में कितने नंबर थे प्री में, और मैथ्स में कितने नंबर थे मेंस में? मेंस में सर मैथ्स में 175 थे, और प्री में 40 के आसपास प्री में। और इंग्लिश में कितने थे? इंग्लिश में सर 40 के आसपास थे, शायद 42 या 40 थे। अच्छा, और मेंस में 163। ओके ठीक है, तो ये हो गई इंग्लिश की बात। अब हम आते हैं तीसरे, जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करने वाला सेक्शन है, जीएस। तो ये बताओ जीएस की पढ़ाई कैसे की थी और कौन सी किताब खोली थी? पहले किताब के नाम बताओ। सर किताबें सिर्फ दो हैं, एक लूसेंट की और फिर उसके साथ में कोई भी एक प्रीवियस ईयर किया, तो घटना चक्र या किरण, जो दोनों में अच्छी लगे। ये बात अपनी दोहरा, क्योंकि ये मानते नहीं है, ये जो व्यूअर्स हैं ये मानते नहीं है, इनको पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, भगवान जाने क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत कुछ पढ़ रहे हैं जीएस में। तो इनको एक बार फिर से बता दो कौन सी दो किताबें पढ़नी है। पहली तो लूसेंट की, वो छोटी सी आती है बुक, पतली सी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाली, थ्योरी वाली। और दूसरी प्रीवियस ईयर की कोई बुक, या तो किरण ले लो या घटना चक्र। घटना चक्र सर इंग्लिश में नहीं आती है, तो अगर इंग्लिश मीडियम है तो आपको किरण ही लेनी पड़ेगी फिर। तो ये सिर्फ ये दो किताबें हैं, बाकी करंट अफेयर तो अलग साइड में है ही, क्योंकि करंट अफेयर्स पे अलग से आएंगे। तो इनसे पढ़ते थे या आपने जीएस के लिए किसी टीचर को फॉलो किया? सर टीचर ऑफलाइन कोचिंग में थे, लेकिन मतलब वही बात है सर, जीएस हमें इतना ज्यादा बोरिंग लगता था कि हम वो क्लासेस छोड़ देते थे यहाँ पे ऑफलाइन में, मतलब हमें नींद आती थी कहीं ना कहीं, तो हम क्लास छोड़ देते थे। और फिर फायदा हमें जिस चीज से मिला सबसे ज्यादा, तो एक हमारे सीनियर थे भैया, उन्होंने समझाया कि एक काम करो तुम, सबसे पहले ये देखो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तुम एक काम करो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ, जैसे मान लो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में तुम ये देखना चालू करो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस सेम उसी टॉपिक को लूसेंट से रीडिंग मारो, और रीडिंग सिर्फ इतनी मारो कि तुम्हें इतना सिर्फ समझ में आ जाए कि किसके बारे में बात हो रही है, कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है। तुमने उस चीज को वहां से रीडिंग कर लिया, बस तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी बन जाएगा और तुम चीजें जल्दी भूलोगे नहीं, बस। तो वही चीज हमने की और बहुत फायदा मिला उससे। तो आपने ये से क्या किया, मतलब आज नोट्स बनाए थे आपने? हाँ नोट्स बनाए थे सर, पहली बार में नहीं बनाए थे, आखिरी में जब एग्जाम के लगभग 2 महीने बचे थे तब नोट्स बनाए थे, और काफी शॉर्ट बनाए थे, मतलब इतने शॉर्ट में कि हिस्ट्री का मेरे हिसाब से होगा 10 पेज के आसपास, बहुत ज्यादा बहुत शॉर्ट में थे सर, मतलब छोटी छोटी बातें सिर्फ नोट की थी बस, और पूरा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि लंबा लंबा, इतने शॉर्ट बनाए थे कि पूरा जीएस। क्या सर कितने मार्क्स थे जीएस? सर जीएस में 30 के आसपास होंगे, 27-28। तो मेरे हिसाब से ठीक है, अगर आप मैथ्स इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो 30 इज अ वेरी डिसेंट स्कोर इन जीएस। हाँ, और दूसरी चीज है कि मैं आपको ये बताऊं दर्शकों को कि भाई जीएस तुम्हारी सिर्फ 50 नंबर की आनी है, वो भी टीयर 1, टीयर 2 में वो आनी भी नहीं है, 25 सवाल आनी भी नहीं है, सही बात है। 30 नंबर ले आए तो आप मैथ्स और इंग्लिश में आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपना स्कोर। जीएस में 30 वो बच्चे नंबर लाते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लिटरली बता रहा हूँ। और आप लोग मैं फिर वही बात है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि जो आपके जीएस के टीचर्स आपको इतना जीएस पढ़ा रहे हैं, इसका करोगे क्या? उनको पीसीएस देना हो, उनको यूपीएससी देना हो, यूपीएससी में भी फैक्चुअल नहीं पूछते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुमको पीसीएस देना है तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम सही लगे रहे, लेकिन अगर सीजीएल देना है तो जीएस पे इतना समय बर्बाद करना बंद, उसकी बजाय मैथ्स पढ़ो, क्योंकि वहां तुम्हारे नंबर वैसे भी नहीं आ रहे। मतलब मैं बच्चों को देखता हूँ कि जीएस मैथ्स में नंबर आ रहे हैं 35-30, इंग्लिश में नंबर आ रहे हैं 30, और जीएस में वो लगे पड़े हैं 8 घंटे, जीएस की वो 4-5, जीएस में वो 40, जीएस में वो 40 नंबर लाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों 50 में 40 लाना चाहते हैं, और बेशक आ उतने भी नहीं रहे, जब एग्जाम देके आएंगे तो वो 25 से ज्यादा नहीं आएंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इतना ज्यादा जीएस में एम्फोसिस करना बंद कीजिए, जरूरी है वर्तमान में, जरूरी है क्योंकि बहुत कट ऑफ आई जा रही है, जरूरी है, उसकी जरूरत को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी सही स्ट्रेटेजी बनाइए जो विक्रांत ने बताई, कि आप
वो चीजें पढ़िए जो एग्जाम में आती हैं, पेपर देखिए और देखिए कि हिस्ट्री में पूछता क्या है, आप देखिए पॉलिटी में पूछता क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, एंशियंट हिस्ट्री जो तो मोहनजोदड़ो याद कर रहे हो कभी पूछा ही नहीं है उसने। लिटरली बता रहा हूँ कि मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताता हूँ। मैं जीएस पढ़ने जाता था एक टीचर से, ठीक है, वो टीचर भी अब ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो उन टीचर, वो टीचर की बुराई नहीं, टीचर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली सीजल के लिए नहीं पढ़ाते, बट बच्चों से सीजल के लिए पढ़ने जाते थे, उनकी गलती नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका जॉब है। वो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, छह छह सात आठ, मतलब दो दो घंटे की क्लास होती थी और करीब एक महीने तक एंशियंट हिस्ट्री चल रही, ऐसे ऐसे फैक्ट्स बता दिए जो मुझे जान के बहुत हैरानी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वो मेरे लिए यूजफुल है? नहीं। मैंने एक महीने के बाद वो कोचिंग छोड़ दी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि उसका कोई फायदा नहीं है। नो डाउट ही इज अ मार्वेलस टीचर, ही इज अ फैंटास्टिक टीचर, बट मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूँ मेरे लिए वो नहीं है। मैं जब पीसीएस की तैयारी करूंगा तो मैं जरूर वो पढ़ूंगा, मैं अगर यूपीएससी की तैयारी करूंगा तो मैं जरूर उनसे पढ़ूंगा, लेकिन मैं सीजीएल के लिए वो जरूरी नहीं है। सीजीएल के लिए आपके लिए सिर्फ टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन जरूरी है, जो कि लूसेंट में आपके दे दी जाती है। करंट अफेयर्स बता दो, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी बहुत परेशान रहते हैं, मतलब पांच छह टीचर के तो वीडियो देखते ही हैं लोग करंट। ये सर सबसे बड़ी बेवकूफी में लगती है, सुबह सुबह एक घंटे का वीडियो देखना करंट अफेयर्स का, हमें समझ नहीं आता सर। अगर मान लीजिए हमने आज से देखना चालू किया, एग्जाम एक साल बाद होना है, तो आज जो पढ़ रहे हैं उसका क्या वैल्यू है बता, आप खुद सोचिए। और ये भी नहीं कि वो दो चार पांच दस मिनट का वीडियो समझ में आता है सर, आधे घंटे का, 45 मिनट का, 60 मिनट का वीडियो देखें करंट अफेयर्स के ऊपर से। तो सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी चल रही, तो उसके लिए करंट अफेयर पढ़ा जा रहा है, तो वैसे वो सर टीचर लोग पढ़ाते हैं और वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, पर हमें तो देखना होगा हमारे एग्जाम में कितना आता है, किस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो टाइम की बर्बादी है। आपने तैयार किया था करंट अफेयर्स? हाँ, हमने सर आखिरी के एक महीने में किया था, हमने ऑनलाइन सर पीडीएफ ढूंढने की कोशिश की थी कि कहीं हमें छह महीने की या एक साल की पीडीएफ मिल जाए, और हमें मिल गई जुगाड़ से, तो बस हमने सिर्फ वो पीडीएफ पढ़ी थी। और अच्छी बात सर ये होती ना, वो पीडीएफ को जैसे मान लो उसमें 1000 क्वेश्चन है या 500 क्वेश्चन है, तो उसे हम बार बार रिपीट तो कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर जब खुद सोच के देखिए, हम लोगों को नॉर्मल वोकैब तो याद होती नहीं है, तो करंट अफेयर जो अकड़म पकड़म फर्जी के होते हैं तो वो कैसे याद रहेंगे एक बार पढ़ने में, तो 4-5-10 बार तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा ना, जब बार बार पढ़ेंगे तभी कुछ होने वाला है। तो अब वो वीडियो क्या 10 बार देखी जा सकती है? वो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन पीडीएफ तो 10 बार पढ़ सकते हैं ना, तो मेरे हिसाब से पीडीएफ बेस्ट है। मतलब वही है कि आप, और मेरा ये कहना है कि अगर आपने देखना भी है किसी के भी वीडियो, तो वीडियो करंट अफेयर्स का वो देखिए जो क्रिस्प हो। क्रिस्प का मतलब है टू द पॉइंट। देखिए करंट अफेयर्स क्या है, मूविंग है, वो चलती हुई गाड़ी है, वो कभी भी रुकेगी नहीं एक जगह। जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कर दिया तो वो रुक गया है, हमें वही फैक्ट 3 साल बाद भी याद करना। करंट अफेयर्स में आज मोदी जी ने स्पुतनिक को मतलब अनुमति दी, कल पता लग रहा है कनाडा की कोई नई वैक्सीन आ गई उसे भी अनुमति दे दी, परसों कोई नई आ गई उसको भी अनुमति दे दी। अब तुम क्या कर रहे हो, आज तुमने स्पुतनिक याद की, कल तुमने दूसरी याद की, तीसरे दिन तुमने तीसरी याद की, चौथे दिन तुमने चौथी याद की, और पांचवें दिन पता लग रहा है जो सबसे पहले दिन याद की थी उसे डिनाई कर दिया गया क्योंकि उसका काम नहीं हो रहा, अब वो तुम डिलीट कर रहे हो अपने दिमाग से। तो प्रॉब्लम वो है कि करंट अफेयर्स चलती हुई रेलगाड़ी, तो इसलिए। और देखिए जब हम वीडियो बनाते हैं, जब हम एज ए टीच कर रहे हैं, तो भाई मेरी जिम्मेदारी, मैं भी कल को अगर वीडियो बनाऊं तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी मैं बिल्कुल सही जानकारी दूं, क्योंकि फिर उस वीडियो को वो जनता भी देख रही है जो सीजीएल की है, कुछ जनता जेनरिक भी देखती है जो नहीं तैयारी कर रही। तो एज ए टीचर हमें सब पढ़ाना है, बट आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा करंट अफेयर्स जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से इवेंट्स ऐसे होते हैं जो डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं, धीरे 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 डेवलप होते हैं, जब वो खत्म हो जाए उसके बाद सबसे जरूरी होगा कि आपने क्या याद करना क्या नहीं करना। तो करंट अफेयर्स में भी देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में ये है कि बच्चे खुद से मेहनत नहीं करना चाहते, उनको लगता है ऑनलाइन सारे टीचर तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम उनकी मेहनत को उठा लेते हैं। आप खुद भी अगर मेहनत करते रहोगे तो मूर्ख नहीं बनोगे, वरना टीचर तो बना ही रहे हैं तुमको यहाँ पे, तो वो बन जाओगे। आपका सर एक डायलॉग याद आता है कि बच्चे आजकल पेन पे कॉपी पे पेन घिसना नहीं चाहते, ऑनलाइन हर चीज मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, बस काम हो जाए, ये चाहते हैं कहीं ना कहीं। ऑनेस्टली ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो मैथ्स ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे मैथ्स सॉल्व होते हैं, तो वो उनको लगता है कि टीचर देख रहा है तो ये हो रहा है सॉल्व, बेटा वो टीचर कर रहा है तुम नहीं कर रहे हो, उसे टीचर की कोशिश हो रही है, उसको बढ़िया कुछ नहीं हो रही, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं भला होगा, तो अपनी भला करना है तो पेन घिसना शुरू करो, खुद का दिमाग लगाना शुरू करो, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर बैठे रहो, कभी भी कुछ नहीं मिलेगा।
और एक तो जीएस की भी बात हो गई हमारी, अगली बात रीजनिंग की कर लेते हैं। रीजनिंग के लिए कितना करना है, कितना पढ़ना है और क्या कुछ? सर सेम रीजनिंग का भी है कि कम से कम टाइम देना है, और सबसे अच्छा है किसी भी किताब के पीछे ना जाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो और उन्हें सॉल्व करना चालू करो, और फिर उसका जब बाद में आप मॉक दोगे तो उसमें तो डेली एक सेट करी रहो रीजनिंग का, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सर कुछ टॉपिक होते हैं जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ये कभी कभी आ जाते हैं, और ठीक एडवाइस हो गया तो मान लो ये तो पढ़ने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, तो उसके लिए कुछ नहीं, बेस्ट है कि यूट्यूब पर सर्च करो, इतने सारे टीचर्स ने डाल रखा है, किसी एक टीचर का अच्छे से पढ़ लो और हफ्ते में सिर्फ एक दिन एक टॉपिक दो, तब भी बड़े आराम से आप कर लोगे। तो रीजनिंग में बहुत कम टाइम दो, कम से कम सबसे कम का टाइम, लेकिन हाँ ये भी नहीं कि छोड़ दो कि नहीं बहुत आसान है, मतलब ये नहीं अगर रीजनिंग में 30 नंबर आ रहे हैं तो वो तो बेकार है, क्योंकि वहां पे स्कोर करना बहुत आसान है। मतलब रीजनिंग वो है जिसमें आप सबसे कम पैसा डालोगे और सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे कम पैसा डालोगे और सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, तो इसलिए रीजनिंग अच्छा सब्जेक्ट है, बशर्ते आप उसमें उसको बहुत फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना है, लेकिन हमें उसमें ओवर ज्यादा इंफोसिस भी नहीं करनी है, यानी कि बहुत ज्यादा उसके पीछे भागना भी नहीं है। ऑलराइट, अब मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट के लिए आप कितने मॉक टेस्ट देते थे और कहां से लगाते थे? हाँ सर, हम मॉक टेस्ट थोड़ा ज्यादा फोकस करते थे, क्योंकि मतलब कभी कभी होता ना हम लोग पढ़ाई से कुछ ज्यादा बोर हो जाते हैं, तो उस समय लगता है कि यार कुछ ऐसा करो कि थोड़ा एक अंदर से कॉन्फिडेंस आए, तो कभी क्या किया जानबूझ के थोड़ा ऐसा कोई मॉक टेस्ट सुना तो थोड़ा सा आसान था, या कोई प्रीवियस ईयर का पेपर कर लिया ताकि नंबर थोड़े अच्छे आ जाएं, तो हमने मॉक टेस्ट पे तो सबसे ज्यादा ध्यान दिया। बाकी मेरे हिसाब से अगर एग्जाम का एक महीना बचा तो उस समय तो कम से कम डेली एक देने चाहिए, एक ही दो ज्यादा ना दो, और उससे अच्छे से ये देखो कि क्या चीज तुम्हें नहीं आती है, क्या तुम्हें आती है, कोई क्वेश्चन अगर सही हुआ तो मतलब तुमने आता था तो सही हो गया कि तुक्के में सही हो गया, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो ये देखो कि मतलब वो गलत क्यों हुआ, मतलब गलती से हुआ कि दो दुनी छह लिख दिया तुमने तब गलत हुआ कि सच में तुम्हें आता नहीं था, या फिर कोई क्वेश्चन हो भी गया मैथ का तो ये भी देखो कि वो सही टाइम पे हुआ, ऐसा नहीं तुम्हें टाइम ज्यादा लग गया, तो ये चीजें मतलब बहुत डिटेल में एनालाइज करो कि क्या हुआ और फिर उसका किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो जब तक मॉक टेस्ट में ये सब चीजें ये विंडो पूरी कंप्लीट नहीं होगी एनालाइज वाली, तब तक वो देना बेकार है बिल्कुल मेरे हिसाब से। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप उसको एनालाइज करें, तो एनालाइज करने के लिए कितना समय देते थे? लगभग सर 2 घंटे के आसपास, 2 घंटा एनालाइज, टाइम लग जाता चीजों में। हाँ मतलब एनालाइज करना है, हाँ मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं कि हम डेली देते थे, कभी कभी मन नहीं होता जल्दी से किसी में स्कोर खराब अगर तो खिसियाई आई कि अब देखेंगे नहीं से दूसरा देंगे, जब अच्छा स्कोर आ जाए उसके बाद ही से देखेंगे क्या गलती हुई, तो ये बहुत बार ऐसा हुआ मतलब फ्रस्ट्रेशन सर इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि हमने मॉक दिया, अब वो मेरी गलती नहीं है, कभी कभी बताया ना सर कभी कभी मॉक कोई अजीब सा बन जाता है, अब पता चला हम सोच रहे हैं 150 नंबर आएंगे उसमें 100 नंबर आए, तो इतना ज्यादा दिमाग पागल हो गया कि तुरंत उसी टाइम हमने दूसरा मॉक दिया कि इसमें 150 आ जाए उसके बाद हम कुछ करेंगे दूसरा काम, तो ये होता है कहीं ना कहीं तो। और हाँ एक चीज सर ये भी है कि मॉक आदमी सर ये हमें लगता है अजीब सा बच्चों के अंदर कि वो ये सोच लेता है कि मॉक में जो स्कोर आ रहा है वही मेरा एग्जाम में आएगा कहीं ना कहीं, और ये सबसे बड़ा गलती है, जरूरी नहीं है एग्जाम का लेवल वैसा ही आएगा, अगर मान लो टफ आ भी जाता है एग्जाम तो कट ऑफ भी तो कम जाएगा नीचे, जरूरी नहीं वो ऊपर रहे। अच्छा टीयर 3 के लिए क्या करते थे और टीयर 3 के लिए कहां से तैयारी करते थे? सर टीयर 3 के लिए तो सच बताए सोचा था बहुत कुछ था कि बहुत भयंकर तैयारी करेंगे और 80 नंबर ले आएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाई, बहुत बोरिंग चीज है सर टीयर 3 सच बता रहे, लेकिन हाँ इतनी तैयारी की थी कि एवरेज स्कोर आ जाए, मेरा 62 नंबर है टीयर 3 में। हाँ और हमने सर आर्यन की 2 बुक्स ली थी, एक लेटर राइटिंग की एक ऐसे राइटिंग की, तो उन्हें बस रीड करते थे, और आखिरी के सर 4-5 दिन जब बचे थे तो एसएससी ट्यूब का उन्होंने फॉर्मेट निकाल रखा था, एग्जाम में कैसा कॉपी आता उसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर 2-2 लेटर और 2-2 ऐसे लिखे थे प्रैक्टिस करने के लिए कि हम सही से लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे, बस बहुत कम टाइम दिया था टीयर 3 को ऐसा कुछ। सर एक तो मेरे पास भी ये चीज सबसे ज्यादा पूछा था हमसे कि आपने टीयर 3 की तैयारी कैसे की थी, हमें लगता कि सबसे आसान तो वही है, मतलब एवरेज नंबर तो मिल ही जाते हैं सबको, थोड़ी सी मेहनत कर लो तो। ऑलराइट, तो अच्छा एक चीज और, बच्चों का ये कहना होता है कि पढ़ाई में कई बार मन नहीं लगता, तो मोटिवेटेड कैसे रहें? मोटिवेट रहने के लिए सर 2-3 चीजें हैं, पहली तो ये जैसे मान लो आपको किसी पोस्ट में जाना, चाहे इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, तो उनकी वीडियोस थोड़ा सा देखें कि मतलब जॉब के बाद लाइफ कैसा होगा, और दूसरा आपकी बात याद आती है जो आपने कहा था कि पैसा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, कि अपने जेब में हाथ डाल के देखो कि आज तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, और फिर सोच के देखो अगर जॉब होगी क्या यही सीन रहेगा, तब पापा मम्मी ये नहीं बोलेंगे कि जाओ बेटा धनिया लेके आओ, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब एक सीन होता है कि थोड़ा सोच के देखो कि अब बच जाएंगे तो आसपास वालों का क्या रिएक्शन होगा, रिश्तेदार का क्या होगा, फ्रेंड में क्या इज्जत मिलेगी, वो सब चीजें थोड़ा सोचो अंदर से, फील करो उस चीज को, तो सबसे ज्यादा जो
सबसे ज्यादा मोटिवेशन उसी से आता है। ठीक है, तो आई थिंक हमने सारी बातें कर ली। अभी आप सेलेक्ट किस पोस्ट पे हुए हो एक बार बच्चों को ये भी बता देते हैं। सर ऑडिटर इन CGDA। ऑडिटर इन CGDA, तो मैं बता दूं जिस पोस्ट पे सेलेक्ट हुए मैं भी उसी पोस्ट पे सेलेक्ट। आप भी हुए थे सर, भी जॉब किया था, तो अभी ये ऑडिटर की पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाएंगे और ये आपकी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। अभी पोस्टिंग इनको कहाँ मिली अभी नहीं पता चलेगा, जब इनके डॉजियर CGDA में पहुंच गए अभी नहीं पहुंचे हैं। अभी नहीं पहुंचे सर, अभी नहीं पहुंचे। जैसे ही डॉजियर इनके पहुंच जाएंगे उसके 2-3 महीने में इनकी ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगी। बस CGDA काम अपना तेजी से करता है, बहुत ही सुस्त डिपार्टमेंट नहीं है, मतलब उतना सुस्त नहीं है जितना एक्साइज वगैरह है। एक बार ही तुम्हारा डॉजियर वहां पहुंचेगा इस बार तो हो जाएगा। इस बार सर एक्साइज थोड़ा तेजी से काम कर रहा है, मतलब शायद डॉजियर अभी गए नहीं है और लोगों ने पूछ दिया है स्टेट का, वो पूछ मिले लिया हो, वो काम तेजी से नहीं होगा। वो हो सकता है कि वो दिखाते हैं हम कर रहे हैं बट वो उतना तेज होता नहीं है। देखिए हाँ एक्साइज है तो सबसे लेट भी उसका ये है ना कि देखो CGDA में उतना वर्कलोड नहीं है लोगों के पास, और एक्साइज में बहुत वर्कलोड है। GST जब से आ गया उनके पास काम, हमारे डिपार्टमेंट में उतना काम नहीं है, बहुत ही चिल्ड लाइफ है। मैं आपको आफ्टर लाइफ बता देता हूँ, बहुत ही आराम से डिपेंड करता है, 2-3 चीजें जहाँ पर डिपेंड करता है आपको पोस्टिंग कहाँ मिली है। आप कानपुर से हो और अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है तो आपको पोस्टिंग कानपुर के आसपास मिल जाएगी, और हो सकता है आपको कानपुर भी मिल जाए। और वर्कलोड बहुत ही चिल्ड है, मैं क्लासेस में भी बहुत बार बता चुका हूँ, मतलब ओके काम है। और अगर आप खेलने के थोड़ा सा इच्छुक हैं तो आप खेल सकते हो, आप टेबल टेनिस खेलने को मिलता है अंदर, बैडमिंटन वगैरह है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, सारी चीजें अंदर होती है। बस एक चीज जो ड्रॉबैक रहेगा, क्योंकि आप ब्लॉगिंग करते हो तो ये रहेगा कि ऑफिस के अंदर फोन नहीं अलाउड होगा, किसी भी ऑफिस में आप पोस्टेड होगे ऑफिस में तो आपको फोन अंदर ले जाना ही अलाउड नहीं होगा, और जहाँ अलाउड हुआ भी तो वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं होगी। और फोटोग्राफी भी मान लीजिए करोगे तो उसे इंटरनेट पे नहीं डाल सकते, और नेट भी नहीं आता, जैमर लगे होते हैं ऑफिस में, क्योंकि आपका सारा जो ऑफिस होता है वो कैंट एरिया में होता है। आप कुछ कह रहे थे? यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सर। आप अगर सोचो कि हम ऑफिस की तस्वीर दिखाएंगे, ऑफिस की तस्वीर दिखा पाएंगे, तो वो मतलब ऐसा करने की पूछना तो पूछ लेना अपने सीनियर से, क्योंकि वो मना करते हैं, मतलब मुझे अच्छे से याद है हम लोग जब कर रहे थे तो वो मना कर रहे थे, क्योंकि वो सारा एरिया जो है डिफेंस का होता है तो अलाउड नहीं होता है किसी भी तरीके का, और इसीलिए वहाँ जैमर्स लगे होते हैं जिससे कि आपको किसी से आप इंटरनेट वगैरह ना चला पाए, सिर्फ BSNL का नेटवर्क काम करता है। और कुछ जगहों पे तो मतलब और सेंसिटिव होता है तो वहाँ पे जो है फोन ही ले जाना अलाउड नहीं होता है। डिपेंड करता है आपको पोस्टिंग कहाँ मिलती है, बट ओवरऑल लाइफ आपकी बहुत ही सॉर्टेड रहेगी, चिल्ड रहेगी, और बहुत ही सिंपल रहता है। आपको कैंटीन कार्ड मिलता है तो आप कैंटीन के बेनिफिट्स ले सकते हो जो मिलिट्री कैंटीन होती है, बट लिकर कार्ड नहीं मिलता है तो उसके बेनिफिट्स नहीं ले पाओगे, लेकिन एटलीस्ट कैंटीन कार्ड मिल जाता है तो थोड़े रिश्तेदारों में पूछ पड़ जाएगी तुम्हारी कि सामान दिलवा देना जब भी आ जाओ, तो ये सारी तो खैर हमने सारी चीजें चर्चा कर ली। आई थिंक मैंने सारे सब्जेक्ट्स की बात कर ली, इनकी ओवरऑल चीजें बात कर ली, और आगे इनका करियर ये मतलब इसमें तो है ही, साथ ही साथ ब्लॉगिंग में भी अपना करियर देखते हैं, वो भी चीजें जारी रखेंगे। तो आप इनके चैनल पे इन्हें फॉलो कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या टाइटल में ही इन्हें टैग कर दूंगा, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऑलरेडी। और इट तो लेट्स कीप इट टिल हियर, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो। हां सर एक चीज रह गई सर, आपने टीयर 4 के बारे में नहीं बताया कुछ भी, टाइपिंग के बारे में, CPT के बारे में। हां जी बताइए। तो CPT का भी लोग पूछते हैं, तो सर टीयर 4 का सबसे बड़ा सवाल ये आता है लोगों का कि टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो काफी आसान होता है, 27 की स्पीड चाहिए होती है, मतलब एक महीना भी आप करोगे तो बड़े आराम से कर लोगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती उसमें टाइपिंग में खासकर। PPT और Excel? PPT Excel भी सर मेरे हिसाब से 10-10 दिन देख लोगे तो कर लोगे, हमने सिर्फ 2 दिन देखा था और आराम से हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो सारी चीजें हमने लगभग चर्चा कर दी है और हर बार विषय पे बात कर दी है। बाकी अगर आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हो तो इनके इंस्टाग्राम पे हो सकते हो, कानपुर वाला ब्लॉग्स, शायद इसी नाम से अकाउंट है। यस सर, इस नाम सर, इसी नाम से कानपुर वाला ब्लॉग्स पे कनेक्ट हो सकते हो। बाकी इनका यूट्यूब चैनल भी है और यूट्यूब चैनल पे इनसे बात कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे इन्हें फॉलो कीजिए, इनसे जो सवाल पूछने हैं पूछिए। तो इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए टॉपर के साथ, अगले नए सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ में। के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाहर मत निकलिए, कोरोना है, और थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर, बाय।